वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि इसकी डी अब मुझे वीडियो बनाने नहीं देती है। जब भी मैं अपना कैमरा ऑन करती हूँ हल्ला मचाने लग जाती है, ट्राइपॉड ले लेती है, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि अकेले ही सब कुछ मैनेज करना इतना भी आसान नहीं है। बच्चे छोटे होते हैं तो हम लोग कर लेते हैं उनको सुला के, बट बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना तो हमारे नाक पे दम करके छोड़ रख देते हैं। और अभी मैं कुछ भी करती हूँ तो ये पीछे पीछे आ जाती है। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना डेली बिज़ी मॉर्निंग रूटीन। एक्चुअली जो मॉर्निंग का रूटीन होता है ना बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है ना, नाइट का भी ओके ओके होता है, दिन में तो इतना कुछ नहीं होता है, बट जो मॉर्निंग का होता है उसमें बहुत ज़्यादा हालत टाइट जाती है। बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जितना था हो सका मैंने शेयर किया है आप लोगों के साथ। एक्चुअली लाइट चली गई थी, जो चीज़ नहीं कैमरे में कैद कर पाई वो मैं आप लोगों के साथ इसमें बताऊंगी क्या क्या होता है। तो सबसे पहले उठ के ना मैं अपना ब्रश कर लेती हूँ, क्योंकि बिना ब्रश के तो मेरे को पानी पीना भी अच्छा नहीं लगता है। बट कभी कभार ही होता है कि हम इधर उधर होते हैं तो उस टाइम पे मैं चाय वाय पी लेती हूँ किसी और के घर पे होती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं ब्रश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पीती हूँ नींबू पानी शहद डाल के। तो मोस्टली लोग गर्म पानी करके पीते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी इतना पानी इतनी गर्मी है, अगर मैं उसको मेरे से तो नहीं पिया जाता है, मैं बीमार भी होती हूँ तो भी मैं हॉट वाटर नहीं पीती हूँ। तो मैं जो नॉर्मल वाटर होता है ना उसी में थोड़ा सा नींबू डाल के और पानी कटक जाती हूँ। साथ ही साथ मैं डी के लिए जो होता है सेरेलेक भी बनाती रहती हूँ। अब बात यहाँ पे सेरेलेक की करें तो मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेरेलेक एवरी मंथ ट्राई करती रहती हूँ। मैं ना बोलना भी भूल गई कि मुझे बोलना क्या है। और उसमें मैंने हॉट वाटर मिक्स कर दिया है, मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाती इसको क्योंकि थोड़ी देर में ऑलरेडी गाढ़ा हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा ही पानी डालती हूँ। देन यहाँ पर हम दोनों मैं पीने लगी हूँ अपना नींबू पानी, और इसका सेरेलेक थोड़ा ठंडा होने के लिए रखा गया है। बट ये बहुत ज़्यादा मस्ती करती सुबह के टाइम पर क्योंकि एकदम बच्चे फ्रेश रहते हैं, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है अभी भी क्योंकि मैं तो इतनी लेट उठती हूँ। और वैसे भी हमारी जो सुबह होती है ना वो काफ़ी लेट से होती है और मुझे तो इतनी ज़्यादा नींद आने लग जाती है बैठे बैठे ही। तो मैं यहाँ पे अब इसको खिलाऊंगी अपना ये जो इसका खाना है ये, उसके बाद ये पानी वानी पीती है। इसका मन होता है तो ये फिर सो जाती है, अगर नहीं होता है तो नहीं सोती है। मूड है बच्चों के मूड पर ही डिपेंड करता है, मूड है नहीं डिपेंड है बच्चों के मूड पर। और आजकल ना बहुत बड़ी आफत है इसको खिलाना, इतने नाटक करती है, भागती रहती है। स्टार्टिंग में बड़े प्यार से खाती थी, और ये देखिए खाने के बाद थोड़ा सा खेल लेती है, बट खेलती कम है बट मेरे पीछे पीछे ज़्यादा आती है ये। उसके बाद ना मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ, और आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ, मैंने चने भिगा रखे थे रात को ब्लैक वाले, तो मैं उन्हीं को बस छौंका लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाना है मुझे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खाना खा ले रही हूँ आजकल। आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बस यहाँ पर मैंने एक प्याज काट लिया है, कुछ नहीं करना है बस। प्याज काटने के बाद मैंने जो छोले रखे थे तब तक मैंने सोचा सीटी लग रही है, तो मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। और बेडरूम की हालत ना कुछ ऐसी रहती है सुबह उठने के बाद, कपड़े वपड़े सारे फैले रहते हैं। एक्चुअली मैं आजकल इसको डायपर नहीं पहनाती हूँ क्योंकि गर्मी है तो इसको दाने हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पे बिस्तर को जितना ठीक करती हूँ उतना बिगाड़ती रहती है, इसको बहुत मज़ा आता है क्योंकि जो हमारे गद्दे हैं उनमें पन्नी लगी हुई है तो इनको निकालती रहती है। देन इसने खोल भी, जो उसका गद्दे का कवर है मैट्रेस का वो भी कुछ हद तक फाड़ चुकी है, कुछ तो वैसे टाइट था फट गया था और कुछ इसने फाड़ दिया। देन ये पिलो कवर, एक्चुअली कल शाम को हमने पिलो ये बेडशीट धोई थी तो ये पिलो कवर इसके पापा ने निकाले नहीं थे, तो मैं वही चेंज कर रही थी। और अब ये शुरू हो चुकी है क्योंकि ये जब भी मैं एडिट करती हूँ कुछ करती हूँ ना बिल्कुल भी करने नहीं देती है। बस मैंने सोचा जब तक मेरे चने उबलते हैं तब तक मैं अपना बेडरूम ठीक कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा मैं रात को ही कर लेती हूँ क्योंकि मुझे करने नहीं देती, और जितना मैं पोछा लगाती रहती है पीछे से उतना ही फिसलती रहती है। फिर मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी सी मस्ती कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम देना ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं आजकल अपने वीडियोस पे ध्यान नहीं दे पाती क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। अब ये बड़ी हो गई है तो खड़े होने लगी है और हल्का हल्का सपोर्ट से चलने लगी है, तो एवरी टाइम पीछे पीछे किचन में तो मीन्स ऐसा हो गया है कि जाना बहुत बड़ा दुश्वार हो गया है मेरे लिए, तो इसीलिए मैं ज़्यादा टाइम इसको देती हूँ। मैं इसको अकेले नहीं छोड़ती हूँ, ये बहुत ज़्यादा गिरती बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा आप लोग बताइए आपके बच्चे के साथ भी कुछ ऐसा ही हाल है क्या? सीरियसली बताऊँ तो बड़ी मुसीबत है। तो मैंने यहाँ पे अब बनाने लगी हूँ ब्रेकफास्ट, इसने खा लिया है, इसकी अब मालिश होगी, बट मैं अपने लिए बना रही हूँ, खाऊंगी तो मैं थोड़ा लेट से ही। ऑयल डाल दिया है मैंने, उसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और ऑयल मैंने बहुत कम ही डाल रखा है, कभी कभी ज़्यादा डाल देती हूँ। और बस ये मेरी जो कढ़ाई है थोड़ी ख़राब हो चुकी है। अच्छा आप लोग बताइए कि आप कैसे हैं गाइस? मैं तो बोलना ही भूल गई हूँ, और ये मेरे चने उबल रखे हैं यहाँ पर। मैंने ना पूरा वीडियो नहीं बनाया इसका भी क्योंकि ये बनाने नहीं दे रही थी, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे मेरे चने बन चुके हैं, मुझे ऐसे ही बनाने थे। उसके बाद मैंने ये
बस जो चाय बनती है ना मेरी अकेले में, बस दूध की बनती है, ओनली दूध की। उसके बाद इसकी मालिश होगी और ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी क्योंकि अब बड़ी होगी तो मालिश नहीं करने देती है। और देखो कितना घर भी फैला हुआ है, ये सब कुछ मुझे ठीक करना होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी मालिश करने के बाद मैं आ गई हूँ नहा के, क्योंकि डी सो गई थी। डी सो जाती है तो फटाफट से नहा लेती हूँ, कभी हम दोनों साथ में नहा लेते हैं और कभी हम लोग जब ये सोती तो मैं फटाक से नहा लेती हूँ। उसके बाद ये देखिए इसने ये हाल कर रखा है घर का। सबके बच्चे आई थिंक ऐसे ही करते होंगे जितना मैंने देखा है, और पूरा फैलाते रहते हैं दिन भर। मैं इनको समेटती रहती हूँ, ये फैलाती रहती है। इसके सामने रखना भी ज़रूरी है क्योंकि अब इसको खेलना तो आता नहीं है, लेकिन हाँ इसको फैलाना बहुत अच्छे से आता है। और जब तक ये सो रखी है तो मैंने सोचा चलो जो बाकी छोटा मोटा डस्ट रहता है उसको झाड़ लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा बाकी तो रात को हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार झाड़ू ना सुबह लगा लेती हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत डस्ट तो आ ही जाती है। और इतने सारे खिलौने इकट्ठे करने होते हैं, थोड़ी देर में उठेगी फिर से मुझे पेटी बाहर निकालनी होती है। और उसके बाद जो मेरा स्किन केयर था ना, वो मैंने नहाते नहाते अपना स्किन केयर भी कर लिया था क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाता स्पेशली बच्चे के साथ। अगर हस्बैंड घर पे हो तो फिर भी थोड़ा बहुत मैं अपना टाइम निकाल लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं निकाल पाती। इसके जितने भी छोटे मोटे खिलौने होते हैं ना, वो पन्नी में पैक कर देती हूँ ताकि ये दोबारा फिर से निकाले और सब इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, फिर से उनको इकट्ठा उसी में डाल देती हूँ। अब मैं लगाऊंगी झाड़ू क्योंकि डस्ट निकल जाती है तो, और छोटी मोटी चीज़ें खा पी के पूरा ऐसी कर देती है। झाड़ू तो दो तीन बार लग ही जाता है घर पे क्योंकि बच्चों के साथ बहुत आफत होती है। सीरियसली बताऊँ तो मॉर्निंग का जो रूटीन होता है ना बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है, तो आधी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही नहीं पाई क्योंकि लाइट चली गई थी। जैसे कि बर्तन धोना, ये करना, वो करना, और यहाँ पे सारा काम हो गया था किचन का, बस लाइट आई थी तो मेरा बस यहाँ पे गैस साफ़ करना रह गया था, इसीलिए बस इतना ही दिखा पाई हूँ। और ये मैंने जो बाकी चने बचे हुए थे टिफ़िन में रख दिए हैं, इनको मैं रखूँगी फ्रिज में। अब ये डी का जो दूध बाथटब था ना छोटा वाला, इसको मैंने बर्तन वाला बना दिया है, काफ़ी सही है क्योंकि अभी मैंने इसके लिए बड़ा ले लिया है ना, तो मैं आप लोगों के साथ आज के ब्लॉग में उसको भी शेयर करूँगी। फिर जो कपड़े धोए थे कल शाम को, थोड़े ही सूख रखे थे, बाकी तो वैसे ही थे बाहर, तो मैंने उनको वैसे ही रहने दिया। और छोटे छोटे इसके जो बाकी कपड़े हैं उनको फोल्ड करना, मींस ये पूरे दिन भर के बाद मेरा जो ये काम होता है ना, सेकंड लास्ट बोल सकते हैं इसको, यही काम होता है कपड़े वपड़े फोल्ड करना। जितने भी घर के कपड़े, गंदे कपड़े लॉन्ड्री बैग में डाल देती हूँ, और जो धुले हुए कपड़े होते हैं उनको फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादातर डी के ही कपड़े होते हैं। दिन के तो 25-30 पैजामे इसी के हो जाते हैं क्योंकि डायपर तो अभी इसको पहनाते ही नहीं है, तो इसलिए बस बच्चे टॉयलेट करते रहते हैं। उसके बाद जो मेरा लास्ट काम होता है ना, वो कपड़े होते हैं जो हमारे डेली यूज़ के होते हैं, जैसे इसके पैजामे हो गए, मैंने जो नहाया था वो वाले कपड़े हो गए, क्योंकि डेली मैं वॉशिंग मशीन नहीं लगाती हूँ, ये मुझे इतना काम करने नहीं देती है, इसी वजह से मैं मशीन नहीं लगाती, तो मैंने जो कपड़े बचे हुए थे वो कर दिए। बस मेरा लास्ट है अब, क्योंकि मुझे भूख लग गई थी यहाँ पे, नाश्ता तो मैंने सुबह ही कर लिया था, तो मैं यहाँ पे खाती हूँ फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक आंवला लिया है क्योंकि मुझे आजकल आंवला बहुत अच्छा लग रहा है, और आंवला खाना ज़रूरी है क्योंकि मेरे बाल ज़रा कम झड़ेंगे। और यहाँ पे मैंने एक एप्पल ले लिया, एक ऑरेंज ले लिया है, और यहाँ पे मैंने काला वाला नमक ले लिया है। बस अब मैं खाऊंगी यहाँ पे अपने फ्रूट्स, और बस मैं इतना ही शेयर कर पाई। मैंने डी को नहला दिया था यहाँ पे, यहाँ पे डी नहाने के बाद फिर से सो गई है गाइस। और मैं डी को आपको, डी का जो नहाने वाला वीडियो है वो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ थोड़ा सा। बस यही होता है हमारा डेली का रूटीन। और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये है इसका न्यू बाथटब आजकल में, और काफ़ी इंजॉय करती है इसमें, और इसमें टॉय डाल दो तो ये काफ़ी खुश रहती है। बस इसको हम डाल देते हैं, बट हाँ यहाँ पे बाथरूम अपने बच्चों को ऐसे बाथटब में छोड़ना नहीं क्योंकि ये छोटे हैं, तो मुझे इसको देखे रहना पड़ता है भले ही कितनी देर तक नहाए, और इसको तो पानी में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा गाइस कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। और नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है प्लीज़ वो भी बताइएगा, इसीलिए मैं भी वीडियोज़ बना पाऊँगी, नहीं तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा ना आजकल बाहर जाना होता है ना कुछ होता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।